गाइज, लाल बल्ब को ही खतरे के प्रतीक में क्यों लिया गया? बाकी कलर को हरा पीला इन कलरों को क्यों नहीं लिया गया? आप वीडियो के अंत तक बन रहे, आपको सारे जानकारी मिलेगा कि लाल बल्ब को ही क्यों लिया गया। मैं आपको बताता हूँ कि जिराफ चूहा ऊंट बिना पानी के कितने दिन तक जीवित रह सकते हैं। आप लोग सुनकर ही आंसर पा गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऊंट जो है एक बार पानी पीने के बाद सप्ताह यानी कि कई हफ्ते तक वहाँ जीवित रह सकता है। उसी प्रकार जिराफ और चूहे ऊंट कई सप्ताह तक बिना पानी पिए यानी कि पानी पीने के बाद वहाँ कई सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं बिना उसके बाद पानी पिए। कैटफिश यानी कि मछली जिसे कैटफिश द्वारा जाना जाता है, उस मछली में कितने कोशिकाएं हैं? सबसे अधिक कितने कोशिकाएं हैं? मैं आपको बताता हूं कि उसमें सबसे अधिक 27,000 कोशिकाएं हैं, जो कि कैटफिश मछली में सबसे अधिक कोशिकाएं माना जाता है। इसलिए उसमें 27,000 कोशिकाएं प्राप्त किया गया है कैटफिश मछली में। गाइज, कौन सा मकड़ी है जो कि वह बिना खाए हुए 2 साल तक जीवित रह सकता है? आप लोग सुनकर चौंक गए होंगे कि यह कैसा मकड़ी है जो बिना खाए हुए 2 साल तक जीवित रह सकता है। जी हाँ, एक ऐसा मकड़ी है जो बिना अन्न दाना खाए हुए वह 2 साल तक जीवित रह सकते हैं। उस मकड़ी का क्या नाम है? उस मकड़ी का नाम मैं बताता हूँ आपको, टार्टियोला। टार्टियोला जो मकड़ी है जो बिना खाए 2 साल तक जीवित रह सकता है। गाइज, प्राचीन सभ्यताओं में यानी कि पुराने जमाने में एक समय प्राकृतिक यानी आत्माओं को खत्म करने के लिए किस पदार्थ के किस पौधे के पत्ते को जलाया गया था जिससे कि जो बुरी आत्माएं हैं वह खत्म हो सके, यानी कि उससे धुएं से जैसे कि धूप जलाया जाता है कीड़े मकोड़े मारने के लिए, उसी प्रकार किस पत्ते को जलाया गया था? मैं आपको बताता हूँ, एस्टर के पत्ते को जलाया गया था बुरी आत्माओं को खत्म करने के लिए प्राचीन काल में। सबसे अधिक यानी कि सबसे अधिक प्लास्टिक जो कचरे होते हैं, प्लोथिन जो भी कचरे होते हैं, वह किस देश में सबसे अधिक है? ऐसा न्यूज में बताया जाता है कि भारत में सबसे अधिक प्लोथिन और कचरे हैं यानी कि प्लास्टिक कचरे हैं, लेकिन मैं बताता हूँ कि भारत में नहीं, सबसे अधिक अमेरिका में है। फिर भी अमेरिका को इतना साफ सुथरा क्यों दिखाया जाता है? इसलिए दिखाया जाता है कि अमेरिका सरकार इस पर कड़े शासन किए हुए है कि कोई भी प्लास्टिक और कचरे फैला रहा है गंदगी, उसे दंड के रूप में चालान कर दिया जाएगा और वह प्लास्टिक को कूड़ेदान में रखवाता है और वह एक अच्छे सुरक्षित जगह पर धर देते हैं जो कि कचरा नहीं फैलता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, भारत में किसी जगह आप कचरे को फेंक सकते हैं, इसलिए भारत बहुत गंदे दिखते हैं। गाइज, अगर आप किसी से गुस्से किए हुए यानी कि आपको कोई गुस्से दिलाए हैं या पति पत्नी में झगड़ा हुआ है, गुस्से हुआ है, आपस में दोनों टकरार यानी कि गुस्से हुए हैं, इसको कम करने के लिए किस प्रकार के फल खाए कि कम हो जाए यानी कि गुस्सा दोनों आदमी का ठंडा हो जाए? एक फल है जिसका बहुत अधिक प्रोटीन होता है जिसे खाने से आपके गुस्से बहुत कम हो जाते हैं, केला यानी कि बनाना। एक ऐसा फल है जिसको खाने से आदमी को गुस्सा कम हो जाता है। गाइज, मैं आपको बताया था कि कंगारू और उल्लू का उसे झुंड नहीं कहता है, उसे ग्रुप कहता है, लेकिन गायों को झुंड कहता है। ऐसा क्यों? वो भी तो समूह चलते हैं, ये भी समूह में चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि गायों का झुंड का दूध अगर एक साथ रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा, तो वह झुंड में जितने थे उन गायों का 1 टन दूध इकट्ठा किया गया था। लेकिन ऐसा आप कभी सुने हैं कि कंगारू का इतना झुंड हो कि 1 टन दूध से प्राप्त किया जा सकता है? नहीं, इसलिए गाय को झुंड कहा जाता है। गाय जो स्काई में यानी कि आकाश में जो स्टार है जिसको तारा कहते हैं, उसको पृथ्वी पर आने में कौन सा ऐसा स्टार तारा है जिसको पृथ्वी पर आने में सबसे लंबे समय लगते हैं? उस तारा का क्या नाम है? कितने समय पृथ्वी पर लगते हैं आने में? मैं बताता हूँ आपको कि हैली धूमकेतु ऐसा तारा है जिसको पृथ्वी पर आने में 76 वर्ष लग जाता है उसे आने में। वह फिर कब आएंगे पृथ्वी पर? 2062 में वह पृथ्वी पर फिर से रिटर्न होगा, यानी कि दिखाई देंगे पृथ्वी से वह तारा। गाइज, कभी आप 1 से लेकर 100 तक ऐड किए हैं संख्याओं को, जैसे कि 1+2, 2+3, 3+4, इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक आप कभी ऐड किए हैं?
नहीं क्योंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं तो कितने संख्या होंगे पूरा मिलाकर, 550 संख्या होंगे इससे पूरे मिलाकर। जो रेड किरणें होता है यानी कि लाल बत्ती, वह खतरे का प्रतीक क्यों उसे माना गया है, उसे लाल बत्ती को खतरे का प्रतीक क्यों दिया गया, पीला बत्ती को क्यों नहीं दिया गया, ऐसा क्यों किया गया, हरा को क्यों नहीं दिया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास पीला बत्ती, हरा बत्ती और लाल बत्ती को एक साथ रख कर आपको दूर भेज दिया जाए तो आपको कौन सा बत्ती दिखाई देगा, रेड किरण यानी कि जो लाल बत्ती हो दिखाई देगा, क्योंकि उसका सबसे अधिक तीव्र किरण होता है। इसलिए लेजर लाइट में भी उसे रेड किरण का यानी कि लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है, इसलिए उसे खतरे का प्रतीक दिया गया है लाल किरण यानी कि लाल बत्ती को। मेरी वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।